हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू सो फ्रेंड्स आज मैं लेकर आया हूँ एडमिशन रिलेटेड अपडेट और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी रिसेंटली अभी बी एस सी नर्सिंग बी एस सी पैरामेडिकल बी एस सी टेक्नोलॉजी की आई थिंक जून फर्स्ट वीक या मिडल ऑफ जून में एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होने वाला है विच इज़ गोइंग टू तो बी कंडक्टेड बाई जे के पी और उसका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका जो सिलेबस है उसके बारे में हम एक डिटेल एनालिसिस में आपको करके बताने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको आने वाले हैं एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा और क्योंकि कल ही मैंने बी कश्मीर का जो सिलेबस है उसके बारे में एक वीडियो अपलोड किया था और आप उसको भी देख सकते हैं अगर आप उसमें अप्लाई कर कर रहे हैं ऑनलाइन उसके फॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन अभी चल रही है और अब इसके भी एंट्रेंस इसके फॉर्म्स निकलने वाले हैं बी सी नर्सिंग के और इसकी जो एंट्रेंस टेस्ट लास्ट ईयर भी कंडक्ट हुआ था और इसका मैं आपको एक डिटेल एनालिसिस सिलेबस का मैं थोड़ा सा थो बताने वाला हूँ और एक सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसमें मैं जो भी इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयरस में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं फर्स्ट फर्ज हुआ था बी एस सी बी एस सी पैरामेडिकल बी एस सी नर्सिंग के और आपका ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल मेडिकल का भी अगर एंट्रेंस होगा लास्ट ईयर तो नहीं हुआ था तो उसमें अगर इस बार होता है तो उसमें आपको वो क्वेश्चंस भी हेल्प करेंगे इवन अगर आप बोल सको कि नीट में डी टू टू थाउंडी टू में जो होगा अभी उसमें भी आपको ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे तो इस टाइम हमारा मेन मोटिव है कि बी एस सी नर्सिंग बी एस सी पैरामेडिकल और उसका टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस को डिटेल एनालिसिस करके आपसे डिस्कस किया जाए तो पहले तो हम इसमें बात करेंगे इसमें तीन सेक्शन रहती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो और तीनों सेक्शन सिक्सटी सिक्सटी मार्क्स के वेटेज रखती हैं वन एटी मार्क्स का आई थिंक पेपर रहता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिक्स की जो फिजिक्स में जो इसमें चैप्टर्स आते हैं आपको फिजिकल वॉर्ड एंड मेजरमेंट रहता है और इसकी जो वेटेज रहती है इस चैप्टर की वो टू मार्क्स की रहती है ठीक है इस सेंटेंस में फिर कैनमेटिक्स आपका रहता है जिसकी वेटेज थ्री मार्क्स रहती है आ, फिर इसमें लॉज ऑफ मोशन रहता है जिसकी वेटेज आपकी टू मार्क्स की रहती है जिसमें आपके जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम सेकेंड ऑफ मोशन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये सारी चीज़ें रहती हैं लिनियर मोमेंटम एप्लीकेशन ठीक है तो फ्रिक्शन स्टैटिस्टिक्स स्टैटिक कैंटिक फ्रिक्शन लॉज ऑफ फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन ये सब चीज़ें रहती हैं फिर उसके बाद एंड पावर भी आपका जो रहता है वो टू मार्क्स के अकॉर्डिंगली रहता है इसकी वेटेज इस सेंटर्स में जिसमें आपको कैंटिंग एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया जाता है ठीक है स्केलेपोड ऑफ द वैक्टर्स जिसमें रहते हैं वर्डन बाय द कॉन्स्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्सेस के बारे में इसके ऊपर कोई या याकल या बोल सकते हो या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड द रिजिड बॉडी ये आपका जो चैप्टर रहता है ये भी आपका टू मार्क्स का रहता है तो आप इसमें देख सकते हो जैसे सेंटर ऑफ मास हो गया ठीक है मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम हो गया सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर रिंग डिस्क रॉड स्पेयर कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ द वैक्टर्स मोमेंट ऑफ ए फोर्स टॉर्क एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो ये सब चीज़ें इसमें रहती हैं uh, ग्रेविटेशन का रहता है जो नेक्स्ट चैप्टर है सिक्स जो रहता है आपका ग्रेविटेशन का वो टू मार्क्स का रहता है लॉज ऑफ ग्रेविटेशन रहता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी केनोमेरिकल्स आ सकते हैं आपको एप्टीट्यूड डेप्थ एंड शेप कैपलस लॉ ठीक है इससे रिलेटेड इसमें एम सी क्यू बेस्ड रहता है टेस्ट में ठीक है और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर ये भी टू मार्क्स का आपको रहता है हुक्स लॉ हो गया यंग मॉडल्स बल्क मॉडल्स तो इसी रिलेटेड ये आपको इसमें एम सी क्यू बेस में सिक्सटी मार्क्स में जो रहता है उसमें टू मार्क्स का इसका वेटेज है थर्मोडाइनमिक्स भी टू मार्क्स का रहता है थर्मल इक्विलिब्रियम डेफिनेशन ऑफ द टेम्परेचर जीरो हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी टू मार्क्स का रहता है फिर बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड कैंटिक थ्योरी ये भी आपका टू मार्क्स का ये रहता है परफेक्ट गैस बॉटन ऑन कंप्रेसिंग ए गैस इसमें भी टू मार्क्स की इसकी वेटेज रहती है फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉ ऑफ इक्व पार्टीशन ऑफ द एनर्जी और फोर मार्क्स का आपको ऑसिलेशन एंड द वेव्स ये रहता है ब्लॉडिक मोशन ब्लॉडिक फ्रिक्वेंसी डिस्प्लेसमेंट रहता है इसमें फोर मार्क्स का ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर की सिंपल हार्मोनिक मोशन रहता है एनर्जी इन सिम्पल हारमोनिक मोशन लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स वेव ये इसमें सारा रहता है स्पीड ऑफ ए वेव ये सब चीज़ें इसमें रहती है फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें वो भी फोन मार्क्स का रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें आपको इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कोलम्स लाफोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस सुपर पोजिशन प्रिंसिपल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेटमेंट ऑफ कॉजेस थ्योरम ये सब फोर मार्क्स की इसकी बैटरी रहती है फिर करंट एंड्रिसिटी की बात करते हैं ये भी फोर मार्क्स की इसकी बैटरी रहती है जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मेटैलिक कंडक्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ठीक है रिलेशनशिप विद इलेक्ट्रिक करंट ये सब चीज़ें जो है फोर मार्क्स का रहता है ओम्स लॉ ठीक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया वी आई करैक्टरिस्टिक्स हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर ये सब चीज़ें आपको फोर मार्क्स की अकॉर्डिंगली ये रहता है वीड स्टोन भी जो हो गया पोटेंशो मीटर हो गए ये सब चीज़ें इसमें ये इफेक्ट आते हैं उसके बाद अब इफेक्ट ऑफ करंट केयर हम बात करें तो उसमें भी ये फेमास का ये वेटे रहती है थर्टीन थ्री यूनिट है इसमें और जिसमें ये इसकी वेटेर रहती कॉन्सेप्ट तो फील्ड आ गया ये सब चीज़ बायोसाइवर्ट्स सा ला आ गया इट्स एप्लीकेशन करंट कैरिंग सर्कुलर लो पैम्प लॉइट एप्लीकेशन टू इनटी लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर तो ये सब चीज़ें इसमें रहती हैं फिर आपका आल्टेटिक इंडक्शन एंड ऑटलेटिंग करंट्स जिसमें फैटेस लॉस आता है एल सी ऑसलेशन ए सी सर्किट्स आता है ठीक है ए सी जनरेटर ट्रांसफॉर्मर ये सब रहता है फिर आपका आटोमेटिक वेव्स जिसकी वीटे टू मार्क्स की रहती है ठीक है ट्रांसफोर्स uh, फेव हो गया एक्स रे गा रेज ये सब रहता है ऑप्टिक्स जो है सेवन मार्क्स का रहता है आई थिंक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी के बाद सेकंड हाईएस्ट हाइएस्ट मैग्नेटिक इफेक्ट के बाद सेकंड फर्स्ट हाईएस्ट जो रहता है जिसकी वेटी रहती है, है फिजिक्स में वो ऑप्टिक्स की रहती है रे ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स फेरिकल मिररज मिररर फॉमर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इस एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर्स ये सब चीज़ें इसमें आती हैं ठीक है थीके? फिर ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस ये भी टू मार्क्स का इसमें वेटर रहती है फोटोलैट्रिक uh, इफेक्ट हो गया हर्ट्स हो गया फिर इसके बाद आपका मैटर वेव वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल ये सारा इसमें रहता है फिर एटम एंड न्यूक्लिया की अगर हम बात करें तो वो भी जो वेटेज है उसमें थ्री मार्क्स की रहती है एटीन यूनिट है रेदर फोर्थ मॉडल ऑफ एटम बोर्स मॉडल ऑफ एटम एनर्जी लेवल्स ठीक है ये सब रहता है फिर नाइनटीन में आपका रहता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो फोर मार्क्स जिसकी वेटेज रहती है इसमें ठीक है ये वी आई कर्व कैटिस्टिकल डीज़ फ़ोटो डाइवोर्ट्स ये सब रहता है इसमें फिर कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो टू मार्क्स का इसमें रहता है ये आप देख सकते हैं मैंड सिग्नल स्पीच टी वी सिग्नल मैंड ट्रांसमिशन मीडियम ये सब चीज़ें इसमें रहती हैं ठीक है थेके। उसके बाद फिजिक्स का हो गया केमिस्ट्री का मैं कल आपको थोड़ा सा बता दूंगा ओवरव्यू दे दूँगा और उसके बाद हम सीधे चलते हैं पहले बायो बायो पे क्योंकि अगर आपका नीट का है तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा ये बी मेडिकल में कौन कौन से नीट का जो सिलेबस है और बी मेडिकल बी नर्सिंग का जो सिलेबस है बायोकोर्स में क्या डिफरेंस आता है जैसे ये देखिए फर्स्ट चैप्टर है क्लासीफिकेशन ऑफ द प्लांट्स आ गया एंड ऑफ द प्लांट्स आ गया प्लांट फिजोलॉजी आ गया थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑफ़ इन फ्लावरिंग प्लांट्स जेनेटिक्स आ गया आपका फाइव मार्क्स का जेनेटिक्स और ये प्लांट फिजोलॉजी जो है ये सेवन मार्क्स का रहता है इसमें ठीक है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट जो है वो फाइव मार्क्स का रहता है बायोलॉजी एंड द ह्यूमन वेलफेयर थ्री मार्क्स का डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड टू मार्क्स का हिस्ट्रोलॉजी hmm. रहता है और मार्फोलॉजी रहता है टू मार्क्स का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फोर मार्क्स का ह्यूमन फिजोलॉजी uh, ये रहता है एट मार्क्स का ये देखिए आपके सामने है ये एट मार्क्स का रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो वो सिक्स मार्क्स का रहता है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन ये है थ्री मार्क्स का बायोलॉजी एंड द ह्यूमन वेलफेयर ये भी है थ्री मार्क्स का और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वही है टू मार्क्स का तो फिफ्टीन चैप्टर्स हैं आपके बायो में सिक्सटी मार्क्स का इसकी वेटेज है फिजिक्स में आइटीन नाइनटीन चैप्टर थे उसकी भी सिक्सटी की वेटेज थी और हम केमिस्ट्री का देख लें आप अगर हम सिलेबस फॉर द बी एस नर्सिंग पैरामेडिकल एंड द टेक्नोलॉजी बी टेक्नोलॉजी तो इसमें केमिकल एथेमेटिक्स रहता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर रहता है केमिकल इक्विलिब्रियम रहता है केमिकल करेंटिक्स uh, रहता है सोल्यूशंस रहता है आपका टू मार्क्स का केमिकल थर्मोटोलिमेंट्स फोर मार्क्स का रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थ्री मार्क्स का सॉलिड स्टेट एंड स्टेट्स ऑफ मैटर फोर मार्क्स का सरफेस केमिस्ट्री टू मार्क्स का पीरॉडिक प्रॉपर्टीज टू मार्क्स का, का रहता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फोर मार्क्स का रहता है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स फोर मार्क्स का आपका इसका वेट ही रहती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंक्लूडिंग टू मार्क्स का रहता है कॉर्डिनेशन कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री ये आपका फोर मार्क्स का रहता है नॉमिकलेशन बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्री मार्क्स का हाइड्रोकार्बन थ्री मार्क्स का सिक्सटीन चैप्टर जो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन फंक्शन ग्रुप वन टू मार्क्स का फिर फंक्शन ग्रुप सेकेंड थ्री मार्क्स का फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन फंक्शन ग्रुप थ्री थ्री मार्क्स का मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ थ्री मार्क्स का पॉलीमर्स थ्री मार्क्स का तो ट्वेंटी ट्वेंटी चैप्टर्स इसमें केमिस्ट्री में नाइन्टीन के आप ये मान के चलिए नाइनटीन चैप्टर अप्रेक्सीमेटली फिजिक्स में ट्वेंटी चैप्टर केमिस्ट्री में और फिफ्टीन चैप्टर आपके बायो में तो ये आपका सिलेबस रहता है फॉर द बी एस सी नर्सिंग बी एस सी पैरामेडिकल बी एस सी टेक्नोलॉजी फर्स्ट बोपी के थ्रू अगर इस साल कोई मॉडिफिकेशन आएगी इस सिलेबस में तो वो भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा तो और बाकी मैं आपको जैसे बताने वाला हूँ कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ स्पेशली फॉर द जे के स्टूडेंट्स और जैसे ये एंट्रेंस होने वाला है आपका बी नर्सिंग बी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी का आ, जून में तो मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ मैं टारगेट करूँगा फिजिक्स के लिए क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स का है तो मैं फ़िजिक्स को टारगेट करूँगा फिजिक्स के जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन हैं वो हम चैप्टर वाइज चैप्टर हम एम सी क्यू बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे एक सीरीज बनाएंगे ताकि हर एक चैप्टर के एटलीस्ट हंड्रेड uh, uh, मतलब वन फिफ्टी से टू हंड्रेड तक एम सी क्यूज में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है और वो आपको आगे चल के हेल्प कर सकते हैं स्पेशली एंट्रेंस uh, एग्जामिनेशंस uh, uh, में और इवन अगर हम नीट की बात करें तो नीट में भी और साथ में अगर जैसे पहले फिजिक्स को हम टारगेट करेंगे उसके बाद हम बायो uh, को देखेंगे तो फिजिक्स के जो एमसीक्यूज़ हैं फर्स्ट हम चैप्टर जो फिजिकल वॉर्ड एंड मेजरमेंट रहेगा कल मैं इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करूँगा अपने चैनल पे तो आप इस सीरीज़ को देखिए आपको हेल्प मिलेगी बाकी मैं टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड कर ही रहा हूँ इंस्टाग्राम uh, पे भी मुझे फॉलो आप कर, आप कर सकते हो जेके वैकेंसी अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सअप ग्रुप भी है मेरा वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक्स दिए हुए हैं और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं कैसे सब्सक्राइब मैं चैनल लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ और थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में